देश में लुटेरे, उसको जेल में जाना है। लालू जी सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये लोग तो सपना ही देख रहे हैं ना। ईडी और सीबीआई जवाब मांग रही है, इतने पैसे आपके घर में कहां से आए? शर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना हुआ है। दो राउंड के चुनाव के बाद जो गर्मी आई है तीसरे राउंड में, वो काफी कुछ कहानी कह रही है। आपको बता दें कि आज ही सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया है वो बयान काफ़ी विस्फोटक है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अब हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने के शेर बनाते हैं। भारत आज दुनिया में डंका बज रहा है, और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा भी है कि मजबूत सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी आज झारखंड के बोकारो में एनडीए समर्थित आजसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल होने के लिए गए थे। उनके साथ और भी कई बिहार से नेता गए थे, जिसमें रणवीर नंदन सहित कई नेता शामिल हुए थे। आपको बता दें कि उन्होंने दावा किया है कि आज देश का डंका दुनिया में बज रहा है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में 12वें नंबर पर था, लेकिन हम अंग्रेजों को पछाड़ 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 4.35 करोड़ पक्का आवास बनाए गए। जब गरीबों के पक्का आवास बनाए जा रहे थे, तब अयोध्या में 400 वर्षों तक टेंट में रहे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बन रहा था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बखान करते हुए कहा कि घर घर सोलर युक्त बिजली पहुँचाने का निर्णय लिया गया है, और इसके साथ साथ और भी कई बातें उन्होंने कही। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक बात बड़ा ही महत्वपूर्ण कह दिया, और अपने बयानों के माध्यम से उन्होंने जिस तरह से झारखंड में एक तरफ जहां ये प्रचार कर रहे थे, वहीं एक बड़ी घटना घट रही थी कि एक वहां के मंत्री के पीए के यहां से, पीएस के यहां से जो राशि बरामद हुई थी, उसको लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी। आपको बता दें कि जब वो झारखंड से लौटे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए एयरपोर्ट पे कई बयान दिए, और एयरपोर्ट पे जो बयान दिए उस बयान में काफ़ी तल्खी थी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने साफ तरीके से कहा है कि जो लोग भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। सम्राट चौधरी ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। ये स्वाभाविक है, जिन लोगों को ये पता नहीं है कि राष्ट्र सुरक्षा क्या है उस पर क्या बयान दिए। लेकिन आपने देखा, इस देश में लुटेरे, उसको जेल में जाना है। अभी 30 करोड़ से अधिक राशि पकड़ा रही है, और भ्रष्टाचार जो करेगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ईडी और सीबीआई जवाब मांग रही है, इतने पैसे आपके घर में कहां से आए? अमित शाह ने कहा है कि इंडी अलायंस की सरकार आई तो पूरे देश में लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। एक तो आना ही नहीं है, और जहां तक इंडी गठबंधन का सवाल है तो ये लोग तो सपना ही देख रहे हैं ना। लालू जी सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, और पिछले 10 दिनों से तेजस्वी यादव ये बोल ही रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं करूंगा। अरे भगवान करे, कुछ तो पहले खाता तो खोल लो भाई। लालू जी नहीं खाता खोल पाए, तुम क्या खाता खोलो? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।